हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स फैमिली ब्लॉग सपना में। तो आइए चलते हैं। आज मैंने अपने घर पे एक रेसिपी बनाई थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। वो रेसिपी सबके घर बनती है नॉर्मली, बट इसका बनाने का एक नया तरीका मैंने निकाला है और वैसे ही मैंने आज बनाया है। तो कड़ी वो बहुत टेस्टी बना था, बहुत स्पाइसी और बहुत ही, जैसे आप लोग की भाषा में बोलते हैं ना, चटक बना था, तो वैसा बना था। तो आज मैंने घर पे बनाई थी कढ़ी। जैसा है कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखाया कि वो लहसुन था और लाल मिर्ची थी चार, और वो दही था। दही आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी खट्टी चाहिए जितनी मीठी चाहिए। और 3 लोगों के लिए मैं ये कढ़ी बना रही हूँ, तो आप लोग जितने लोग आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। ये मैंने राजधानी बेसन यूज करती हूँ, मैं यही बेसन यूज करती हूँ। आप कोई भी बेसन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यही बेसन लगेगा। कोई भी घर का बेसन हो या मतलब मार्केट का हो या पिसा हुआ बेसन हो तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं 3 लोग के लिए ये कढ़ी बना रही हूँ और मैंने इतना बेसन इसलिए लिया है क्योंकि मैं जो बाद में जो पेस्ट बनाया जाएगा, जो जिसका ग्रेवी बनेगा, मैंने उसको भी इसमें साथ में मिक्स कर लिया है। फिर मुझे बाद में लेना नहीं पड़ेगा, जो लास्ट में मैं थोड़ा सा बचा के रखती हूँ उसका ग्रेवी बनाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कढ़ी कैसे बनेगी और वो टेस्टी और स्पाइसी कैसे रहेगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये नमक है और मैं बेसन में जो पहले पकौड़ी बनती है, आप लोग बोलते हो सो कढ़ी जो भी बोलते हो, तो पकौड़ी बनाते हैं तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला। अब थोड़ा सा मैं उसमें हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो फिर उसके बाद मैं उसको जीरा 1 चम्मच और हल्दी भी 1 चम्मच और नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको नमक पसंद है उतना ही डाल सकते हैं। और मैंने हल्दी डाली है 1 चम्मच, कलर जितना सही लगे आपको आप उतना हल्दी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 1 चम्मच ही हल्दी डालें, आप अपने हिसाब से देख के अपना बना सकते हैं। मैंने तो 3 लोगों के लिए बनाया तो मैंने 1/2 चम्मच तक हल्दी डाला है और मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ। सारा मिक्स करके बेसन, नमक, हल्दी और जीरा, अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मेरी मोबाइल थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही थी बार बार, और देखिए मैंने इसमें पानी डाला है और मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। और देखिए मैं इतना, ये सब लोग बोलते हैं ना पकौड़ी का जो होता है वो सूखा सा रहता है तो पकौड़ी अच्छी बनती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको खूब गीला करेंगे, गीला चीज देखिए जितना मैंने गीला किया उतना ही गीला रहना चाहिए ताकि जो पकौड़ी बहुत मुलायम और नरम, बोलते हैं ना जो बोलते हैं सब लोग, नरम और सॉफ्ट बहुत रहेगा वो। जैसे उसको बहुत पहले से भिगो के नहीं रखना पड़ेगा कि 2-4 घंटे तक हम भिगा के रखेंगे तो वो कढ़ी में फूलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बनाने पर क्या होगा कि बहुत नरम होगा, तुरंत फूल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है 3 लोगों के लिए कढ़ी बेसन और ये है दही, 2 कटोरी दही मैंने उसको 1.5 कटोरी समझ लीजिए। आप अपने खट्टे के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा दही डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, उसमें वो कोई नहीं, कोई हिसाब नहीं उसका। और देखिए मिर्चा है और ये लहसुन है, तो ये इसका हो गया। मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है ताकि मुझे बार बार लेके आना ना पड़े, तैयार ना करना पड़े। और देखिए मैंने यहाँ पे पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया है छोटी छोटी, और वो तुरंत जितना हाथ में लेंगे थोड़ा थोड़ा तेल में डालते जाएंगे और डालते। और मैं एक बात आप लोग को और बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि सरसों के तेल में ही उसकी पकौड़ी बनाया जाए। बहुत लोग कहते हैं कि सरसों के तेल में बनाने से उसका टेस्ट अलग आता है और अच्छा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मीठा तेल में ही वो सब कुछ बनाती हूँ, चाहे पकौड़ी हो चाहे कुछ हो, मैं कुछ भी तलती हूँ तो मीठे तेल में ही बनाती हूँ। हाँ, इसकी ग्रेवी बनानी होगी तो मैं सरसों का तेल डालूँगी, लेकिन मैं इसकी पकौड़ी को मीठे तेल में बना। और देखिए कितनी लाल लाल सी पकौड़ी हुई है मेरी, ज़रूरी नहीं है वो। और बोलते हैं पहले के लोग बोलते थे कि थोड़ी सी अधपकी रहनी चाहिए पकौड़ी ताकि वो अच्छे से फूलेगी और गलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुरकुरी बना सकते हैं, बिल्कुल लाल सी बना सकते हो और बहुत जल्दी फूलेगी। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, आप देखिएगा कि कैसे मैंने बनाया था और क्या किया था। और ये यस्सू आया था, उसको पकौड़ी चाहिए थी, यस्सू उस पकौड़ी को ले गया, बहुत मन से खाता है, थोड़ा सा आया था, उस कुर्सी लगा के मेरे पास आया था किचन में और वो पकौड़ी लेके गया, मम्मी पकौड़ी करके ले गया। और देखिए मैं यहाँ पे अभी इसको फेटूंगी, जो पकौड़ी मैंने बना लिया है ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया था वही जो फेटा हुआ बेसन, उसमें दही डाल के मैं मिक्स करी, क्योंकि मैं पहले कढ़ी बनाती थी तो दही अलग से डालते थे, बेसन पहले डालते थे तो दही फट जाती थी, कढ़ी मतलब फट जाती थी। तो मैंने एक नया तरीका निकाला और मतलब
दोनों मिक्स करके डालने पे कड़ी फटती नहीं है। नहीं तो पहले क्या रहता था कि कड़ी फट जाती थी और मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि कैसे बनाऊँ क्या करूँ। अलग से हल्दी डालने पे अलग से, देखिए मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ उसमें अब, क्योंकि अब मुझे ग्रेवी बनाना है उसका, तो फट जाता था। बट अब क्या होता है कि आप बेसन को और दही को पहले एक में डाल के मिक्स कर लीजिए खूब अच्छे से, खूब अच्छे से फेंट लीजिए उसमें, उसके दाने ना रह जाए। दही को और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर वो नहीं फटेगी। और देखिए मैंने उसमें थोड़ा सा मेथी का दाना डाला है और मैं अभी लहसुन और मिर्चा पक को खूनूंगी, पीसूंगी नहीं, उसको खून के, जैसे वो सिलबट्टा होता है ना जिसमें हम लोग अदरक कूटते हैं, तो उसमें नमक थोड़ा सा नमक डाल के, मिर्चा डाल के और लहसुन, और लाल मिर्च डालेंगे या हरी मिर्च डालिए, तीखी रहनी चाहिए मिर्च, डाल के आप उसको खूब अच्छे से कुछ कुचा लेंगे, खूब अच्छे से कर लेंगे। खुद देखिए मैंने ये कर लिया है और फिर मैंने उसको डाल दिया है। अब मैं वो मैं थोड़ी सी क्या मतलब, आप जितना ग्रेवी में आपके कलर आ सके अच्छे से आप उतनी हल्दी डाल दीजिए। मैंने 2 चम्मच हल्दी डाली है इसमें, क्योंकि मुझे 3 लोगों के लिए बनाना और ग्रेवी ज़्यादा बनाना है, तो मैंने डाल दिया उसमें हल्दी। और हल्दी तेल में डालेंगे तो पक जाएगी, लहसुन और तेल और मेथी के साथ हल्दी डाल देंगे तो वो पक जाएगा बहुत अच्छे से। बाद में हल्दी नहीं डालते क्योंकि वो कच्ची रह जाती है। अब फेटा हुआ बेसन और दही डाल दिया है उसमें, और आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कितना आपको पानी चाहिए, कितने लोगों को खाना है, आप उस हिसाब से बेसन लेंगे, उस हिसाब से पानी डालेंगे और उस हिसाब से दही लेंगे। देखिए ये मेरी ग्रेवी है और अभी अभी थोड़ा मैंने बस जो मिक्स किया था वही ग्रेवी डाला, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और देखिए मैंने इतना पानी डाल दिया। सब पहले के लोग क्या करते थे कि उसमें तड़का देते थे, मिर्ची खड़ी डालते थे, लहसुन खड़ी डालते थे, तो जिसको तीखा पसंद है वो मिर्ची मसल के खा लेता था, जिसको नहीं पसंद है वो मिर्ची निकाल देता था। बट मैं ऐसा नहीं किया क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबको तीखी और स्पाइसी चाहिए। और देखिए कढ़ी बनके तैयार हो गई है। इसको 1 मिनट पहले मैंने कढ़ी ग्रेवी में डाल दिया था उबलने के लिए, फिर मैंने बंद कर दिया। देखिए आप तुरंत भी खा सकते हैं, इसको बाद में भी खा सकते हैं। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सूखी हो जाएगी। और इसको अगर आप लोगों को कढ़ी मेरी पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं और आप लोग के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं। और ये देखिए इतनी मुलायम बनी है कि इसको बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी मुलायम बनी है। और अब मैं वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी, थैंक यू, बाय 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 फ्रेंड्स। अपना